टालना था, कैंसर टालना था, तो हटाना था, ये उसके मैनिफेस्टो में कार्यक्रम था, हटा, I'm asking you people, is it there or it has been removed? It's still there. So my first agenda is to remove that cancer problem. Will you participate with me in an education? First year? क्योंकि आमदार कहीं बोलता है कि ये कैसे निकालेंगे, इनकी तो सरकार भी नहीं थी, सरकार तो हमारी है. तो मेरा सवाल ही वही है कि अगर सरकार आपकी है और सरकार आपकी थी तो क्यों नहीं हटा? हटना चाहिए ना नहीं हटना चाहिए? अगर सरकार आपकी है तो 5 साल में मीरा रोड से लोकल क्यों नहीं शुरू हुई? सरकार अगर आपकी है तो भयंदर से लोकल स्पेशल ट्रेन क्यों नहीं पड़ी? सरकार आपकी है तो आपको डबल गार्बेज का टैक्स क्यों लग गया? सरकार आपकी है तो पानी कम आके पानी का टैक्स क्यों बढ़ गया? सरकार आपकी है तो क्यों उद्घाटन करके गए जो बस ने लाया था वो तो बसेस चालू क्यों नहीं हुई? सरकार आपकी है तो मेट्रो का ऐलान पिछले 2015 से करते हैं, सीएम हर बार आते हैं, एक स्टेशन का नामकरण करके जाते हैं, तो मेट्रो का काम चालू क्यों नहीं हुआ? आज इलेक्शन के वक्त ही क्यों चालू हुआ? हर वक्त इलेक्शन जब आता है तो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगते हैं, 24 घंटा पानी, प्लेग्राउंड, गार्डन, मेट्रो, ट्रेन, रिक्शा, अस्पताल, मगर जगह पे क्या है? कुछ भी नहीं. पंडित भीमसेन जोशी हॉस्पिटल जो हम लोगों ने बनाया था, 35 करोड़ के इक्विपमेंट्स इन लोगों ने 2015 में लाया. इक्विपमेंट्स का सीएमसी खत्म हो गई, वारंटी खत्म हो गई, एएमसी खत्म हो गई, हॉस्पिटल में फिट तक नहीं. चाइल्ड हेल्थ रिप्रेडिक टूल स्कीम के अंतर्गत 2006 में गुलाम नबी आजाद हेल्थ मिनिस्टर के तो हमने 2 करोड़ रुपये अदा करके मीरा रोड में इंदिरा गांधी हॉस्पिटल बनाया. मैंने एमएलसी पढ़ने से बनाया, ब्लड बैंक बनाया, लाइब्रेरी 20,000 स्क्वायर फीट की बनाई. आज उन्होंने उस लाइब्रेरी को आगे बंद कर दिया और म्यूनसिपैलिटी का ऑफिस बना. यहाँ म्यूनसिपैलिटी का ऑफिस था, कोई जरूरत नहीं कि वहां शिफ्ट कर दे, वहां शिफ्ट करके लाइब्रेरी क्लोज कर दिया, लाइब्रेरी बंद कर दिया. हेल्थ सेक्टर में कोई काम नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई काम नहीं, एजुकेशन में कोई काम नहीं, तो काम किसने किया? भ्रष्टाचार. आई डू यू पीपल नो दैट दिस कॉर्पोरेशन इज अंडर डेट फॉर 750 करोड़ इन ओनली 5 ईयर्स ऑफ टाइम. 5 साल में 750 करोड़ रुपए का इस महापालिका में हुआ. 750 करोड़ कहाँ गया पैसा? 25% कमीशन कौन खा रहा? हू इज टेकिंग दैट कमीशन? और ईच एंड एवरी वर्क एज ओनली 1%. Those who are ruling with the majority. I planned the city in the year when I became first and corporate in 91. I was a member of the planning committee. I planned the development plan of the city. I made 385 reservations for school, college, hospital, playground, garden, market, Smashan, Kabrastan, parade ground, Joggers Park, everything. And we executed it. In the last 25 years, we executed it. And that is the reason you see all these schools and colleges and hospitals. 40% of the land was reserved for this purpose. क्या किया इन्होंने पिछले 5 साल में? गोल मेक एन आरटीओ एप्लीकेशन एंड फाइंड इट आउट फॉर योर सेल्फ. 16 रिजर्वेशंस डी नोटिफाइड एंड चेंज दोस प्लेग्राउंड्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इनटू कमर्शियल एक्टिविटीज दिस इज व्हाट हैज बीन डन. आई मेड दैट स्मशान बरियल ग्राउंड कब्रस्तान फ्रॉम माई पर्सनल मनी, not from corporation fund. I spent 6 crores in 2000 to make that. और 20 साल तक उसको मेंटेन किया, महीने का 5 लाख रुपया खर्चा करके. लेकिन हमने कभी बोल नहीं लगाया तो मुझे गर्व. हम कभी आपको बोलने को भी नहीं आए कि आप हमारी तारीफ करो, सत्कार करो, बिकॉज वी टुक इट एज आवर सर्विस. ये शहर में रहने वाला हर परिवार ये हमारा परिवार है. यहाँ पे आए हुए हर परिवार की सुरक्षा देखना यह हमारा काम है. इनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करना यह हमारा काम है. वी टुक इट एज आवर सर्विस. इसके लिए हमको लोगों की अप्रिसिएशन की भी जरूरत है. हम इतने बार चुनाव में आप लोगों ने हर बार हमको मदद की, मगर हमने कभी आके आपको ये नहीं बताया कि हमने ये बनाया है इसके लिए आप हमको मदद करो. बोला हमने कभी?
हमने कभी आपको मुख्य में नहीं दिया, बताया कभी, क्योंकि वो हमने अपनी जिम्मेदारी से, अगर उस वक्त 2000 में मैंने अपना पर्सनल 6 करोड़ रुपया प्रॉपर्टी में लगाया था तो 600 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी मेरी भी होगी, और 20 साल तक एवरी मंथ 5 लाख हिंदू कितना पैसा होता, मगर आज क्या हो रहा है, बढ़िया ग्राउंड के ऊपर राजनीति हो, नाम मेरा नाम निकाल के फेंक दिया जाता है तो ये चीज बनाई जाती है, यहाँ पे पैरिस मिनिस्टर फादर को बुलाया जाता है, लोगों को डिजाइन किया जाता है और राजनीति की जाती है, हमने कभी भी नहीं की। ये मरलिन यहाँ बैठी है, नेवर नेवर आई डिड दैट एंड नेवर इन्वॉल्व रिलीजन विद माय पॉलिटिक्स एंड सोशल लाइफ। यू कैन टेल मी एनी ऑफ यू कि नो सर यू आर लाइंग, यू हैव डन दैट, अब बताइए कि 35 साल में हमने कभी किया था, नेवर। वी हैव केप्ट रिलीजन सेपरेट, वी हैव केप्ट रिचुअल सेपरेट एंड पॉलिटिक्स सेपरेट। लोग मुझे बोलते हैं कि सर आपका नाम निकाल दिया है, अभी उसका नाम लिख दिया है, मैंने कहा लोगों के दिल में मेरा नाम लिखा हुआ है, लोग उसे नाम हटा देता है, God has seen what I have done for the people in the community. God has seen. And I don't expect ruah from the people for the work that I have done on the religious ground and on the ritual grounds. I expect ruah from my God, from the Lord. So I never mentioned it. But now, most of the people tell me, sir, आप इतना लाखों लोगों को मदद करते हो, हजारों लोगों को मदद करते हो, एजुकेशन की फीस भरते हो, हॉस्पिटल से मदद करते हो, लास्ट 30-35 साल से आप करते हो, लेकिन आप कभी बोलते नहीं, अभी बोलने का वक्त आया, लोगों तो कुछ भी नहीं करते तब भी गाँव में जाके ढंडोरा लिखते, मेरे स्कूल के ट्रस्ट में से हजारों बच्चों की फीस भरते, पूरे मीरा भयंदर के अंदर 75 स्कूल के अंदर 75 इंस्टीट्यूट में मेरे ट्रस्ट में से पैसे में बच्चों की फीस का भरता हूँ। हमने कभी इसका बोर्ड नहीं लगाया तो मुझे गर्व। अस्पताल बनने से पहले, अस्पताल बनने से पहले भी हम हमारे ट्रस्ट से लोगों को हेल्थ के लिए मदद करते थे, आज कर और आज भी करते हैं, हजारों लोगों को मदद करते हैं, लेकिन उसका कभी हम बोर्ड नहीं लगाते कि हमको गर्व। ठीक है, गॉड ने, लॉर्ड ने, खुदा ने हमारे हाथ में मिट्टी भेजा कि तुमको काम करना है, वो करते हैं। हम और हमारा परिवार 2 जनरेशन से शहर में है और इस शहर को बनाया है, मगर कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे पे कोई करप्शन चांसेस है या किसी पे अन्याय करने का आरोप है। कह सकता है, हैव यू एवर हर्ड, यस और नो? अगर आपको लगता है आप में से किसी को यह बोल सकता है कि सर आप झूठ बोल रहे हैं और मेरे पे आपने अन्याय किया है, ये भ्रष्टाचार आपने किया, आई विल विथड्रॉ फ्रॉम दिस इलेक्शन। Last 3 years I was hospitalized, 18 months I was bedridden because of my number of spinal surgeries. My doctor has not allowed me to contest this election. My family is not ready. My family is not supporting me. But in last 3 years time, number of people, thousands of people came to see me, wish me, pray for me, and they told me, sir, you will have to contest this election and you will have to fight against this corruption and injustice and save the city, save the city, save the people of the city, maintain this communal harmony of the city, and that is the reason I am contesting this election. I have been already 2 terms M.L.C. I have been awarded by the President of India as the best parliamentarian, as the best speaker in the assembly. The past year, jo MLA bana hai, usko kya padvi mili hai? High court ne bola isko par criminal case na kiya. 22 cases, 22 criminal cases, everything is in public domain. Don't believe me, go to the election commission site and check up it for yourself, how many criminal cases are there. What percentage of the property has increased in last 5 years time? How and where, from where has it come? It's a question which needs to be asked to a public representative. Okay, what business he has and why mangroves have been destroyed, wetland has been destroyed, environment has been destroyed, why solid waste management work is not being completed, underground line has been done, why connection has not been done, why there is water logging in the city, why garbage tax has been levied? These are the questions which needs to be asked to a local representative who has been representing you for last 5 years. Whosoever has voted, but once
The representative is elected. He is the representative of the entire city, not of any party. Not of any party. Not of any community. So he has to work in the interest of the city. He has to work in the interest of the entire community, not one city. He has to keep the community united and not divided. We have done this work the last 35 years. We have kept the community united and never divided. So this is the time, my dear friends, to look forward for the work I have done for the last 25 years and for the work that has been done by the last 5 years by this representative. You have a great comparison in front of you where you can compare by yourself and see who can do the work and who has got the vision for the further development of the city to provide better infrastructure for you and provide a better quality of life for you. Thank you so much. Jai Hind, Jai Hind. I will thank you because you can understand it's an election time. This meeting and one other secularism meeting, my DI, my PA made a mistake. It was mentioned only one meeting, so it became two. I'm already late by 1 hour to reach in Shushti. So extremely sorry for coming late and extremely sorry for going too fast. Thank you.